हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के जो इंटरनल असेसमेंट ही कल से शुरू होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो लिंक है इंटरनल असेसमेंट का, जिस पे आप लॉगिन कर सकते हैं, तो वो जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जानते हैं कि आपको अपने इंटरनल असेसमेंट को किस तरह से देना है। स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये दोस्तों आपका ये लॉगिन पोर्टल है। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर दोस्तों आपको लॉगिन करना होता है, जिसमें दोस्तों आपके एसओएल के जो आपका एसओएल का रोल नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है, आपका जो बार कोड है उसको फिल करना है, और नीचे यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है एड नंबर, जैसे 8 और 5 को आप जोड़ेंगे तो 13 होता है, यहाँ पे आपको 13 लिख देना है। और उसके बाद लॉगिन के ऊपर नीचे जो लिंक दिया गया है लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद फिर दोस्तों आप लॉगिन हो जाएंगे। और ऊपर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लॉग इन हेयर विथ योर एसओएल रोल नंबर एंड बार कोड, इन्हीं दोनों की ज़रूरत होगी आपको अपने एसओएल के जो पोर्टल इंटरनल असेसमेंट में लॉगिन करने के लिए। जब यहाँ पे दोस्तों आप लॉगिन कर लेंगे, और हाँ दोस्तों इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे आपका एसओएल रोल नंबर का जो फॉर्मेट है, जैसे 19-1-19, वही आपको फॉर्मेट यहाँ पे फिल करना है। अदरवाइज़ अगर आप किसी और फॉर्मेट से आप फिल करेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जब दोस्तों आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ सेम टू सेम ऐसा, जैसे यहाँ पर आप इंटरफेस देख रहे हैं सेम वैसे ही आपको देखने को मिलेगा अपने इंटरनल असेसमेंट के वक्त। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, जिन्हें आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये आपका डिसीजन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिया गया है चेक हेयर टू रिलोड योर पेज। जब ये रिफ्रेश होता है यहाँ, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे दोस्तों आपको बीए प्रोग्राम का जो ये सब्जेक्ट है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो यहाँ पे आपके दिए रहेंगे बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक उसके सामने दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट कोड हैं वो यहाँ पे आपको दिए होंगे। ठीक उसके सामने दोस्तों आपका, जैसे अगर आपका बीए प्रोग्राम का कल आपका फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट है, तो यहाँ पे आपके जो जिस सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट होगा उस जिस डेट का होगा वो यहाँ पे डेट आपको लिखी रहेगी, येलो कलर में लिखी रहेगी 18 अप्रैल। अभी आपको दिखाया जाएगा लॉगिन करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ठीक जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा वो उसके सामने आपके सब्जेक्ट के सामने एक लिंक दिया गया हो। जैसे दोस्तों उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर दोस्तों आपके दो ग्रेड दिए होंगे, ग्रेड ए और ग्रेड बी। यहां पे दोस्तों आपका दिए होंगे आपके क्वेश्चंस नंबर, जिन्हें आप टैप करके उसके जो क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं तो आपने अटैम्प्ट किया या नहीं किया। ये रहे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में दिए रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, कुछ भी आपका क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, सैम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक उसके सामने नीचे यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से आपको किसी भी एक आंसर को सेलेक्ट करना है और सबमिट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब तक दोस्तों आप उस पर सबमिट नहीं करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, तब तक आपका जो आंसर रहेगा वो इनवैलिड माना जाएगा, आपने उसका आंसर नहीं दिया जाएगा ऐसा माना जाएगा। जब आप आंसर दे देंगे तो आपको नेक्स्ट वाले के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू सबमिट योर आंसर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है येलो वाली लाइन के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन अगर ग्रीन हो जाता है तो आपने इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपने अटैम्प्ट कर लिया, उसका आंसर आपने सबमिट कर दिया है। ठीक इसी तरह से जब यहाँ पर आप क्वेश्चन सेकेंड देखेंगे, ये सेकेंड क्वेश्चन रहेगा जिनमें आपका ठीक इसी तरह से ऑप्शन दिए रहेंगे। यहाँ पर आपको नीचे प्रीवियस ईयर दिए, प्रीवियस क्वेश्चन दिया रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रहेगा। पीछे जाना चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं, पिछले वाले के ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आगे जाना चाहें नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसके बाद ठीक इस तरह से लिखा रहेगा आंसर अपडेटेड सक्सेसफुली। फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, आंसर देने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, फिर नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जिसमें आप अपने सभी क्वेश्चंस को इसी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एसओएल ने आपका थैंक यू दिया गया है। यहाँ पर भी दोस्तों आप एसओएल का जो है थैंक यू कह सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पीडीएफ के बारे में बता दिया गया किस तरह से आपको लॉगिन करना, अटैम्प्ट करना। एक दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं क्या करना है। जैसे आपको जो हमका इंटरनल असेसमेंट लिंक होगा उसके ऊपर क्लिक करना है, जिसमें आपका एसओएल रोल नंबर बार कोड क्लिक
फिल कर देने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर देने के बाद जिस डेट का आपका इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम रहेगा उसके सामने आपको येलो कलर का लिंक दिया रहेगा। उसके बाद सामने आपको एक लाइव क्वेश्चंस का लिंक दिया रहेगा, MCQ इज लाइव, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाएंगे और बता दिया गया है आपको किस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, सेकेंड क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तब यहाँ पे दोस्तों चलते हैं आपके जो लिंक एक्टिवेट किया गया इसके बारे में बताते हैं। इसको देखने के लिए आपको जाना है SOL की ऑफिशियल साइट पे। इसकी ऑफिशियल साइट पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट BA प्रोग्राम एडमिशन ईयर 2022-23, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन करके यहाँ पर आपका जो BA प्रोग्राम का शेड्यूल है कि 18 अप्रैल से जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रहेगा डेट शीट आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर गिवन, यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना SOL रोल नंबर, बार कोड और कैप्चा दो दिया गया, फिल कर देने के बाद लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैं लॉगिन हो चुका हूँ BA प्रोग्राम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं MCQ क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक कोने में दोस्तों राइट हैंड साइड में ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है। ठीक उसके ऊपर आपको आपका जो नेम रहेगा, कोर्स नेम रहेगा या आपका जो SOL रोल नंबर रहेगा वो दिया रहेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे BA प्रोग्राम का जो 18 तारीख का जो इंटरनल असेसमेंट है ये हिंदी का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस डेट को आपका जो असाइनमेंट अलॉटेड हुआ है दोस्तों उसके सामने येलो कलर का इस तरह से लिखा रहेगा और ठीक एक्शन जहाँ पे दिया गया उसके नीचे आपको एक लिंक दिया रहेगा आपके इंटरनल असेसमेंट के जो एग्ज़ाम उसको देने के लिए। तो इसके ऊपर दोस्तों आप क्लिक करके आप अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उसको दे सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आप अपने लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं या जो डेट है वो इस तरह से लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो दोस्तों 10 दिन से ट्राई कर रहे थे लॉगिन करने के लिए लेकिन उनका लॉगिन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा किस तरह से आपको लॉगिन करना है, किस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।